नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। संभल के सांसद एवं सपा के वरिष्ठ नेता रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को आज राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। आज सुबह संभल के हिंदूपुरा खेड़ा में उनके पार्थिव शरीर को आगे रखकर नमाज अदा की गई। सुबह 10 बजे उनका जनाजा सगीर पैलेस से निकला, जो नखासा चौराहे पर थोड़ी देर रुककर नमाज होने के बाद कब्रिस्तान को रवाना हुआ। दरिया सिर के कब्रिस्तान में उन्हें उनकी पत्नी कुरेशा बेगम की कब्र के पास ही दफनाया गया। उनके जनाजे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव, भीम आर्मी के चंद्रशेखर, मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन, संभल विधायक इकबाल महमूद, राज्यसभा सदस्य जावेद अली, असमोली विधायक पिंकी यादव, बिलारी विधायक फहीम के साथ ही बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 94 साल के डॉक्टर बर्क का लंबी बीमारी के बाद कल निधन हो गया था। संभल और मुरादाबाद की राजनीति में अहम रसूख रखने वाले डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की सपा में अहमियत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पार्टी ने उन्हें 94 साल की उम्र में भी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए संभल लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया था। उनकी बीमारी की खबर सुनकर 2 दिन पहले ही सपा मुखिया अखिलेश यादव उनका हालचाल जानने मुरादाबाद के सिद्धि विनायक अस्पताल पहुंचे थे, जहां लंबे समय से डॉक्टर बर्क का इलाज चल रहा था। 57 साल के सियासी सफर में डॉक्टर बर्क 4 बार विधायक व 5 बार सांसद रहे। डॉक्टर बर्क संभल के साथ ही मुरादाबाद से भी सांसद रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो भाजपा के परमेश्वर लाल सैनी को हराकर संभल से सांसद बने। डॉक्टर बर्क को उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता था। वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी रहे। सदन के प्रति डॉक्टर बर्क की प्रतिबद्धता के चलते पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी तारीफ की थी और अन्य सदस्यों को उनसे सीखने की बात कही थी। और यही सदन है आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां शफीकुर रहमान जी 93 की एज में भी सदन में अपना योगदान देते रहे, जबकि उनकी उम्र 93। डॉक्टर बर्क एक सियासतदान होने के साथ ही शायरी के भी शौकीन थे। शहर में होने वाले मुशायरों में अक्सर उनकी मौजूदगी रहती थी। एक रोज हम भी चले जाएंगे, अपने तो अपने गैर भी पछताएंगे, एक रोज अपने तो अपने गैर भी पछताएंगे। मेरा मिजाज फकीरी है जिंदगी शाही, मेरा मिजाज फकीरी है जिंदगी शाही, ये फलसफा ही जमाने को छोड़ जाएंगे। लेकिन इन सबके बावजूद डॉक्टर बर्क सड़क से लेकर संसद तक मुस्लिम समाज के हित के लिए आवाज़ उठाते रहे। उन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध में फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया था। हालांकि अपने कुछ बयानों के चलते वो विवादों में भी रहे। उन्होंने संसद में वंदे मातरम का विरोध किया था। हेराई न्यूज के लिए संभल से रतनदीप शर्मा के साथ हरिओम तोमर की रिपोर्ट।